हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम रैंप पर ग्रेनेड कैसे लगाएं उस पर चर्चा करेंगे। और मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को पूरे YouTube पर आप देख सकते हैं। आपको जो ये रैंप की डिज़ाइन है शायद ही मुश्किल मिलेगी। और हम जिस विले में वर्क कर रहे हैं, इटालियन मार्बल फिट किया है हमने इस विले के अंदर और ग्रेनाइट टाइल्स, और साथ में हमारा पार्किंग का एरिया है। टाइल आप देख सकते हैं, 1x1 का साइज लगाया है हमने टाइल का। और उसके बाद में हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि रैंप पर जो डिज़ाइनिंग है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फिटिंग करें। और आपको हमने जो रैंप की जो डिज़ाइनिंग लॉन्च की है वो बहुत ही अद्भुत है। और ये 3-3 इंची की पट्टियाँ हमने लगाई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं आपको ये जो पट्टी है ये 3-3 इंची की चौड़ाई में पट्टियाँ लगाई हैं हमने। और उसके बाद में जो बॉक्स है हमारा इस पट्टी से और उस पट्टी तक का जो साइज़ है वो 30 इंची का है। बीच में 30 इंची के जो है हम टुकड़े लगाएंगे और 2 कलर होंगे। और जो ग्रेनाइट की जो वैरायटी है वो 4 प्रकार की होगी। जैसे ये हमारा हसन ग्रीन है, साउथ का मटेरियल है ये ग्रेनाइट। ये हमारा ग्लोस में है और इसी के साथ में यही हसन ग्रीन जो है ये मैट में है। और ये हमारा एप्पल ग्रीन है, काफ़ी डस्ट लगी हुई है। एप्पल ग्रीन एक हमारा ग्लोस में है, दूसरा हमारा मैट में है। तो ये 4 प्रकार के हम ग्रेनाइट इसमें फिट करेंगे। कलर 2 होंगे और वैरायटी इसमें 4 होगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो हमारे टीम के साथी हैं, हाय बोल दीजिए व्यूवर्स को। तो जो टीम के साथी हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सफाई से वर्क करते हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं जो हमारे रैंप का है। तैयार होने के बाद में एक जो डिजाइनिंग है वो भी पैटर्न आप देख सकते हैं डिजाइनिंग का। जैसे मैंने बताया था 4 कलर 2 रहेंगे और जो पत्थर का जो प्रकार है वो 4 रहेगा कि मैट में और ग्लोस में। बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से एक बनाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि जो हमने ये टेढ़ा लगाया है, जैसे ही पानी पानी जो है ये आप देख पा रहे होंगे कन्नी पे, ये यहाँ से उतर कर और सीधा नीचे चला जाएगा। तो पूरा व्यू देख सकते हैं आप रैंप का। तो दोस्तों, ये हमारी रैंप की जो डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और इस तरह की नई नई जानकारी के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।